الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا وحبيبنا وحبيب رب العالمين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد والفرقان الحميد اقرأ باسم ربك الذي خلق وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه أو كما قال عليه الصلاة والسلام. आज के इस पुर्रौनक मजलिस खत्म बुखारी शरीफ के सदर महतरम और मुअज्जज असातिज़ा इकराम और दूर दराज से तशरीफ लाए हुए मेहमानान निज़ाम, आज मैं आप सबको दिल के गहराई से इस्तकबाल करता हूँ, अहलम व सहलम व मरहबा कहता हूँ कि आप लोगों ने अपनी तमाम तर मसरूफियात को पसे पुष्ट डालकर हमारी हकीर से दावत को लब्बैक कहते हुए आज हमारे इस मजलिस में और इस महफिल में शरीक होकर हमें हौसला अफजाई फरमाई। मैं तो आज चाह रहा था कि अगर वक्त मिलता तो मैं आप लोगों के सामने मदरसतुल बनात के इस हिस्ट्री में ले जाता जो आज से 1400 साल पहले मदीने के अंदर जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कायम फरमाया और वही से ये सिलसिला आते हुए आज शायल्टा बाजार में भी मदरसतुल बनात है, हिस्ट्री में ले जाता, आपको पूरे तारीख में आपको रूगर्दानी कराता और तारीख की सैर कराता। लेकिन वक्त की किल्लत दामनगीर है जिसकी वजह से मैं ज्यादा तफसील तो नहीं कर सकता, अलबत्ता चंद बातें बोलकर मैं अपनी बात खत्म करता हूं। आप इल्म की अहमियत पर जो कुछ सुना है इस सिलसिले में देखिए, कुरान करीम के अंदर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जो सबसे पहली आयत नाजिल की है तो उसमें भी पढ़ने के सिलसिले में अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते इकरा पढ़ो। उसके बाद किताबुल्लाह के बाद सबसे मुअज्जज किताब बुखारी शरीफ के अंदर इमाम बुखारी रहमतुल्लाहि अलैहि ने किताबुल बगी और किताबुल ईमान के बाद जो बाब लाया है वो बाबुल इल्म, और उस बाब के अंदर इमाम बुखारी रहमतुल्लाहि अलैहि ने 82 मरफू हदीस को इल्म की अहमियत के सिलसिले में बयान करते हैं और इसी तरीके से 86 आसार सहाबा उसमें नकल करते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, उसके बाद के जमाने में अल्लामा इब्नुल हैसम ने अपनी किताब में 86 सफात पर इल्म के मौजू पर बहस की है और इसी तरीके से मुस्तदरक हकीम में अल्लामा हकीम ने उसके अंदर कम से कम 80 सफात पर इल्म की बहस की है। और इसी तरीके से हर जमाने में हर मुसन्निफीन ने इल्म की अहमियत पर बहस की है। देखिए इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह 4 इमामों में से एक है, लेकिन वो फरमाते हैं मैंने बहुत से अहादीस को मैंने औरतों से हासिल की है। इमाम इब्नुल असाकिर फरमाते हैं मैंने 80 असातिजा यानी 80 औरतों से मैंने रिवायतें ली है। तो जब ये 80 औरतें आलिमा थी, 80 औरतें इल्म कुरान और हदीस के सिलसिले में महारत तामा रखती थी और आलिमा थी, तभी तो उनसे इमाम असाकिर ने रिवायतें ली है। और वो माहिर तामा कैसे बनी, उसकी वजह यह है कि वहां पर औरतों को तालीम देने के लिए, दीनी तालीम देने के लिए मदारिस कायम थे। आज उसी कड़ी को आगे बढ़ाने के लिए, उसी मदरसे को आज शायशा बाजार में हमारे मुअक्कर और हमारे सरपरस्त हम सब के मुरब्बी मौलाना तफज़ल हुसैन साहब ने कायम किया है। हमारे माज़ी करीब के एक अकाबिर आलिमिया नदवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे कि अगर तुम्हें कुरान और हदीस के इल्म को सीखना है, कुरान और हदीस पर कायम रहना है, इस्लाम को जिंदा रखना है, तो इसका आधा काम, इसका आधी जिम्मेदारी औरतों पर है। अगर औरतों ने इस जिम्मेदारी को नहीं निभाया, अगर उनको दीनी तालीम नहीं दी गई, तो याद रखना अनकरीब ये मुल्क जो है स्पेन बन जाएगा। हजरत आलिमिया नदवी रहमतुल्लाह अलैह बहुत ही बड़े दर्द और कर्ब के साथ इस बात को बयान करते हैं। आज मैं अपनी बात को आलिमिया नदवी रहमतुल्लाह अलैह के शान में एक अरब, एक मिस्र के एक आलिम ने आलिमिया नदवी रहमतुल्लाह अलैह के शान में एक जुमला कहा था, उस जुमले से मैं आज बात को खत्म करता हूँ। आलिमिया नदवी रहमतुल्लाह अलैह के सिलसिले में फरमाया था कुल्लू फर्दिन ज़ू हिम्मतिन यख्वी लुम्मा,
इतने बड़े आलिम थे, उनके मुतालिक अरब आलिम फरमाते हैं कुल्लु फर्दिन ज़ुहिम्मत निहविल उम्मा, अगर इस उम्मत के एक फर्द हिम्मत लेके खड़ा हो जाए तो पूरी मुर्दा कौम को जिंदा कर सकते हैं। आज उसी जुमले को मैं मौलाना महबूबुर रहमान साहब कासमी उनके शान में भी कहता हूं, कुल्लु फर्दिन ज़ुहिम्मत निहविल उम्मा। आज इस कौम के, इस उम्मत के फर्द है महबूबुर रहमान साहब, जिन्होंने हिम्मत करके औरतों को दीनी तालीम से आरस्ता कराने के लिए एक अजीमुशान इस इदारे को कायम किया है, जो इदारा शुरू में मकतब के शक्ल में था, आज इदारा जामिया बन चुका है। मैं उनके लिए दुआ गो हूं, और यही कुल्लु फर्दिन ज़ुहिम्मतिन तारीख की वरकगर्दानी करने से मिलता है कि मक्के की जमीन पर जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिम्मत करके खड़े हो गए तो सारी कौम को बदल दिए। मौलाना इलियास रहमतुल्लाह अलैह एक फर्द पूरी हिम्मत से खड़े हुए तो पूरी कौम को बदल दिया। मौलाना कासिम नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह ने पूरी हिम्मत से कायम खड़े हुए और दारुलूम देवबंद कायम कर दिया, और दारुलूम देवबंद क्या शाख पूरी दुनिया में है। आज शायलता बाजार में सरजमीन आसाम के बाशिंदों के लिए, खुसूसन बरपटा के बाशिंदों के लिए, अपनी औरतों को, अपनी बेटियों को, अपनी बीवियों को, अपने बच्चों को दीनी तालीम से आरास्ता करने के लिए एक फर्द बाहिम्मत मौलाना महबूबुर रहमान साहब पूरी हिम्मत के साथ खड़े हैं, पूरे जोश के साथ खड़े हैं, पूरे जज्बे के साथ खड़े हैं और पूरे इखलास लिल्लाहियत के साथ खड़े हैं। तो मैं दुआ करता हूँ अल्लाह तबारक व तआला इनके इखलास को कबूल फरमाए और इस इदारे को कबूल फरमाए।